अच्छा ठीक अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको समराइज करके पिछला जर्नी है जो वो समझाता हूँ आपका, और उसके बाद डिस्कस करते हैं कि लॉन्च एंड रैंक क्या होती है और कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब आप प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, पहला स्टेप, उसके बाद आप प्रोडक्ट रिसर्च को कंप्लीट करते हैं अपनी वैलिडेशन यानी कि प्रोडक्ट की डीप एनालिसिस के बाद सोर्सिंग पे। जब आप सोर्सिंग करते हैं यानी जो चीज आपने ढूंढ ली उसको खरीदा सप्लायर से, एक आपका टारगेटेड रेट होता है, प्राइस होती है, उसके ऊपर आप खरीदना चाहते हैं उसे। और आप फॉर एग्जांपल 30% मार्जिन पे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, डील डन कर लेते हैं सप्लायर के साथ, रेट डन हो गया आपका, ठीक है। तो मैं आप लोगों की जैसे चैट देख नहीं रहा, लेकिन मैं इसको यहाँ ओपन कर लेता हूँ ताकि किसी को आवाज ना आए तो मुझे पता चल जाए। अच्छा, अब जब आपकी प्रोडक्ट आप खरीद लेते हैं तो चाइना में, यानी खरीदने से मुराद डील डन कर लेते हैं, तो आप एक ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। आप सप्लायर को कहते हैं कि मेरी प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्जांपल, आप 2000 यूनिट बना दे, पेमेंट कर दी, अब उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है। प्रोडक्शन जब स्टार्ट होती है किसी प्रोडक्ट की भी, तो वो 14 दिन ले या 20 दिन ले, जितना भी टाइम लेगी, जब आपके पास प्रोडक्शन हो जाएगी तो आपका सप्लायर आपको कहेगा कि जी मुझे आइटम लेबल्स दे दो। आइटम लेबल्स जो होते हैं वो बेसिकली आप क्या करते हैं, जब आप ऑर्डर देते हैं, आपकी प्रोडक्ट रिसर्च कंप्लीट होगी, आपने ऑर्डर दे दिया, तो उसी दौरान आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हैं। चाहे आप डमी लिस्टिंग क्रिएट करें, चाहे आप मुकम्मल उसकी प्रॉपर लिस्टिंग क्रिएट कर दें फोटोशूट लेने के बाद। अब आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो चुकी है, आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट है, आपको सप्लायर आपका प्रोडक्शन होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद कहते हैं जी आपकी प्रोडक्ट तैयार हो गई है, अब आप मुझे आइटम लेबल्स दे दें। अब जो आइटम लेबल्स हैं वो आप सेलर सेंट्रल में जाते हैं, ठीक है। सेलर सेंट्रल से जाके आप आइटम लेबल्स निकालते हैं, ठीक है। अब आइटम लेबल्स वो वैसे ये इन्वेंट्री में आते हैं, मैनेज इन्वेंट्री में चले गए, ठीक है। और यहां से ये इसको सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल ये वेरिएशन है, ये वेरिएशन नहीं है, मैं इसको सिंगल में ले जाता हूँ। अच्छा, यहां से इसकी एक वेरिएशन है, सिंगल वेरिएशन, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी नहीं, सिलेक्ट किया इसको। अब मैं इसके आइटम लेवल सप्लायर को देने जा रहा हूँ, यहां से मैं एक्शन ऑन वन सिलेक्टेड, और इसको मैंने यहां से प्रिंट आइटम लेवल्स, प्रिंट आइटम लेवल्स पे क्लिक किया। ये वो आइटम लेवल्स हैं जो एक एक यूनिट के ऊपर लगने हैं, सिंगल यूनिट के ऊपर आपके ये लेबल्स लगेंगे, ठीक है। अच्छा, ये FBM थी इसलिए इसको अलाउ नहीं कर रहा, FBM को नहीं, FBA को जो है ना पिक करेगा ये, और ये FBM है ना जिसकी इन्वेंट्री आप खुद डाल सकते हैं, ये FBM है। FBA की जो लिस्टिंग होगी वहां से आप इसकी, जैसे ये है, ये FBA है, इसके आइटम लेवल्स निकालने के लिए मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा इसको, प्रिंट आइटम लेवल्स पे क्लिक करूंगा। ये नंबर ऑफ लेबल्स, ये वो लेबल्स हैं जो आप विदाउट शिपमेंट प्लान इसको निकाल सकते हैं, यहाँ से इसके मैं 1000 2000 जितने भी आपके यूनिट्स होंगे इनको यहाँ से आप
नंबर ऑफ आइटम लेबल्स दे दें यहाँ से, और यहाँ से प्रिंट आइटम लेबल ये क्लिक करें। अच्छा, अब ये यूनिट आप जितनी है इनके लेबल्स निकले, आपने सप्लायर को भेज दिए, सप्लायर सिंगल सिंगल यूनिट के ऊपर आपके ये लेबल्स लगाएगा और उसको बॉक्सेस के अंदर पैक करेगा, और उन बॉक्सेस के दोबारा से आपसे लेबल मांगेगा, बॉक्स लेबल्स जिनको कहा जाता है। ठीक है, बॉक्स लेबल क्या होंगे, आप एक शिपमेंट प्लान तब बनाते हैं, शिपमेंट प्लान में आप मेंशन करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट, क्योंकि आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो चुकी है, तो लिस्टिंग क्रिएट जब हो चुकी होगी, लिस्टिंग क्रिएशन के बाद एसिन नंबर मिल गया होता है, उस एसिन नंबर का अमेजोन को रिकॉर्ड होता है उसके पास, आप उसको बताएंगे कि मेरी आपकी आपके पास प्रोडक्ट आ रही है, फॉर एग्जाम्पल 2000 यूनिट्स है आपके, 200 बॉक्सेस है उसके, पर बॉक्स आपके 10 यूनिट्स है उसके अंदर। पहले आप उसको शिपमेंट में डायमेंशन देंगे अपनी प्रोडक्ट की, सिंगल यूनिट की, उसके बाद आप उसको बताएंगे उसका वेट क्या है, देन उसके जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कितने आपने यूनिट्स डाले हैं, 10 और 20, 10 बॉक्स अपना 200 बॉक्सेस हैं और 10 यूनिट है, तो 2000 यूनिट आपके टोटल बन गए। बॉक्स लेबल जो होता है वो भी आप शिपमेंट प्लान जब क्रिएट करते हैं तो एंड ऑफ शिपमेंट प्लान आपको एक प्रिंट बॉक्स लेबल की ऑप्शन नजर आती है, वहां से आप बॉक्स लेबल दे देते हैं सप्लायर को। अब सप्लायर आपका स्टॉक लेबल करके सारे का सारा अमेज़न वेयर हाउस की तरफ मूव कर देता है। इस दौरान जब आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो चुकी है बट आपकी जो शिपमेंट है वो अमेज़न वेयर हाउस में लाइव नहीं हुई, तो आपका जो इन्वेंट्री का स्टेटस होगा वो यहाँ जाएंगे इन्वेंट्री में, मैनेज इन्वेंट्री में, तो आपको जो स्टेटस शो हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी इन्वेंट्री है, तो यहाँ पे इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक इस तरह से नजर आ रहा होगा ये वाला, इसका मतलब ये शिपमेंट क्रिएट हो चुकी है बट वो पोस्ट अभी लाइव नहीं हुई, अमेज़न वेयर हाउस में नहीं है। जैसे ही आपकी शिपमेंट अमेज़न वेयर हाउस में पहुंचेगी, उसका सिंगल यूनिट सिंगल बॉक्स, अगर आपने 200 बॉक्सेस भेजे हैं तो उसमें से सिर्फ 10 गए हैं या एक बॉक्स उसका लाइव हुआ है, तो उसका स्टेटस फिर भी ये एक्टिव आ जाएगा, जिस तरह ये नीचे वाले का यहाँ पे। जब आप शिपमेंट भेज देंगे तो आपको दो जगह पर नजर रखनी होगी, नंबर वन आपकी रजिस्टर्ड ईमेल जो सेलर सेंट्रल के साथ आपने रजिस्टर्ड की हुई है, सेकंड आपने आपकी जो ये इन्वेंट्री है यहाँ पे आपको सेलर सेंट्रल की क्रेडेंशियल इसको एक्सेस करके आपने डेली चेक करना है। जैसे ही आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाए तो आपका लॉन्च का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें होता ये है कि जब आपकी इन्वेंट्री आपने 200 बॉक्स भेज दिए वेयरहाउस में, लेकिन वो एक दफा आपके बॉक्स 200 बॉक्स जो है अमेज़न रिसीव नहीं करेगा, कि ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हो सकता है आपके आज एक, क्योंकि यूपीएस ने पिक करना होता है आपका वेयरहाउस से स्टॉक, आप आजकल अमेज़न आपको अलाउ नहीं करता कि 3000 यूनिट आपने भेजना तो डायरेक्टली अमेज़न वेयरहाउस में आप भेज दें, आपको मैक्सिमम 200 यूनिट्स की अलाउ करेगा शिपमेंट। आपका आईपीआई स्कोर जो है जितना अच्छा होगा, जितनी कंजप्शन अच्छी होगी, नेक्स्ट शिपमेंट आपको इतनी ही ज्यादा अलाउ कर देगा। रजिस्टर्ड ईमेल कौन सी होती है, जब आप अमेज़न सेलर सेंट्रल आईडी बना रहे होते हैं तो उसमें आपको एक ईमेल, आप जीमेल अकाउंट जो होता है वो जीमेल डालते हैं वहां पे, जैसे फोन नंबर डालते हैं साथ में, जीमेल डालते हैं, आपने पासपोर्ट डालते हैं, वो जो रजिस्टर्ड जीमेल है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब आपका 3000 यूनिट्स हैं तो आपने पहले 3PL में भेजने हैं, आजकल आप डायरेक्टली अमेज़न वेयरहाउस में नहीं भेजते, 3PL में भेजने हैं। 3PL मींस थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। अब थर्ड पार्टी में आपके स्टॉक की जब इन्वेंट्री आपकी पहुंचेगी वहां पे 2000 यूनिट पहुंच के, वहां से आप अपना शिपमेंट प्लान 200 यूनिट्स का बनाएंगे और वहां 3PL वाले बंदे को, अपने सप्लायर को आप बताएंगे कि अब 200 यूनिट भेज दो मैंने, और उसके ऊपर वो बॉक्स लेबल लगाएगा। आप आजकल जब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में आपकी इन्वेंट्री जाती है तो आप चाइना में या कहीं से भी आप सोर्स करते हैं तो वहां पे बॉक्स लेबल नहीं लगवाते, वहां जस्ट आइटम लेबल लगवाते हैं, बॉक्सेस में पैक करवा के 3PL में भेज देते हैं, और 3PL से आगे आपकी इन्वेंट्री मूव करती है टूवर्ड्स अमेज़न वेयरहाउस। अब आपकी इन्वेंट्री वहां पहुंची, 200 यूनिट पहुंचे, और
10 बॉक्सेस है, 20 बॉक्सेस है, 10 यूनिट्स है एक बॉक्स के अंदर। पहला आपका जब बॉक्स अमेजोन में, यूपीएस वाले रोजाना एक एक जगह से पिक कर रहे हैं, तो 20-30 जगहों से जब पिक करेंगे अमेजोन वेयर हाउस में लेके जाएंगे, तो वहां आपका स्टॉक इकट्ठा 20 बॉक्स नहीं होंगे। हो सकता है दो आपके बॉक्सेस आज लाइव हो जाएं, दो दिन बाद हो जाएं, 5 दिन ले लें, 7 दिन ले लें, आपका सारा स्टॉक जो है लाइव होने में। लेकिन आपका पहला बॉक्स जैसे ही लाइव होगा, यहाँ पे स्टेटस आपका एक्टिव आ जाएगा, और इस एक्टिव के स्टेटस की बेस पे आप अपनी लॉन्च स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास सफिशियंट स्टॉक ही नहीं है। अगर आपके 20 यूनिट्स हैं और यहाँ लाइव हो जाता है, 20 यूनिट्स में भी आपके दो दिनों में खत्म हो जाए, तो आप आउट ऑफ स्टॉक चले जाएंगे, आपका रैंकिंग जो पर्पज है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप उसके बाद 20 यूनिट्स सेल करने के बाद आप आउट ऑफ स्टॉक चले गए। आपका जब यहाँ पे स्टॉक सफिशियंट ना हो, कम से कम 50% स्टॉक आपका लाइव हो, फिर आप अपनी लॉन्च एंड ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब ये एक्टिव होने तक और प्रोडक्शन होने, आपने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस होने के बाद और आपका अमेजोन वेयर हाउस में स्टॉक पहुंचने तक, ये कम से कम 2 महीने 1.5 महीने का टाइम है। 14 डेज आपके प्रोडक्शन के लगेंगे, मिनिमम आपका 1 महीना शिपिंग का लगेगा, फिर आपका कुछ टाइम लग जाता है पोर्ट पे, कुछ उसके बाद आपका थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में 3PL, और उसके बाद आपका अमेजोन वेयर हाउस के अंदर क्यू में लग जाएगा, 2-4-5 दिन या 1 हफ्ता भी लग सकता है। अब ये जो 2 महीने में है, इनमें जो करने के काम है वो क्या है, आफ्टर लिस्टिंग क्रिएशन एंड शिपिंग प्लान, आपने जो करने के काम है लॉन्च से पहले, एक्टिव होने से पहले, टू लिस्ट ये वाली आपने तैयार करनी है। नंबर 1, रिटेल रेडी लिस्टिंग, ये सारे काम आपने करने हैं अपनी लिस्टिंग को लाइव होने से पहले, एक्टिव होने से पहले। और उसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी लिस्टिंग रिटेल रेडी होनी चाहिए। रिटेल रेडी मीन आपकी लिस्टिंग प्रेजेंटेबल होनी चाहिए फॉर बायर्स। उसका सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, उसका सबसे पहला पॉइंट है ये वाला, प्राइस कंपैरिजन फॉर लॉन्च। लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च में आपकी 2 प्राइसेस आएंगी, नंबर 1 टारगेटेड, नंबर 1 आपकी लॉन्च प्राइस, 2 टारगेटेड प्राइस। ठीक है, आपने लॉन्च से पहले प्राइस कंपैरिजन कर लेना है कि आपकी लॉन्च प्राइस कौन सी है और टारगेटेड कौन सी है। टारगेटेड प्राइस वो होती है जिसकी बेस पे आप चाइना से सोर्स करते हैं 30%, 35% या 25% मार्जिन, जो आपने एक एवरेज आपका जो कंपेटिटर है उसकी मिनिमम प्राइस पिक की, और उसकी बेस पे आपने 30%, 35%, 25% कोई सभी परसेंटेज जो आपने वहां से सोर्स कर ली, ये प्राइस जो होगी, फॉर एग्जांपल $20, $20 आपकी सोर्सिंग आपकी टारगेटेड प्राइस है, जिसपे आपने 30% मार्जिन जो है ऑलमोस्ट आपका बन गया 7, ठीक है, 6.5 या $7 आपका सोर्सिंग प्राइस बन गई। ये तो होगी टारगेटेड प्राइस, जहां पे आपने जाके अपने प्रोडक्ट को स्टेबल करना है, जहां पे आपका प्रॉफिट बनना है। लेकिन एक लॉन्च प्राइस होगी जो डे 1 पे आप अपनी प्रोडक्ट जब लॉन्च करेंगे तो उस वक्त आपने उसकी प्राइस लगानी होगी। वो प्राइस कौन सी होगी, वो कम से कम इस प्राइस से 20% या 30% नीचे होगी जो लॉन्च प्राइस होगी। पहले दिन आप प्राइस लॉन्च प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आपकी जो प्राइस होगी वो बाकी कंपेटिटर के लेवल की नहीं होगी। एक बंदे का जैसे अभी यहाँ पे मैं ये प्रोडक्ट का सामने, इसमें ये 11,500 रिव्यूज हैं, 654 रिव्यूज, 4,100 रिव्यूज। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, लेट्स सपोज के यहाँ पे तीसरा बंदा ये वाला, ये मैं हूं, ठीक है, यहाँ मेरी प्रोडक्ट आती है, नई लॉन्च है, और उसका एक भी रिव्यू नहीं है, तो ये लोग 16.45, 23.99, कम से कम प्राइस किसने लगाई हुई है 16.45। तो मैं अगर 16.45 पे अपनी प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च कर दूं, तो कौन खरीदेगा यहाँ पे,
यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं खरीदेगा क्योंकि मेरे पास सोशल प्रूफ नहीं है, सिंगल रिव्यू भी नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ कम से कम 20% प्राइस कम करके लगाऊंगा जाके आपकी सेल होगी। इसको कहेंगे लॉन्च प्राइस। आप पूरे पेज को ओवरव्यू करेंगे एक दफा, स्पेशली टॉप 20 को आपने देखा, और इसमें जो सबसे कम प्राइस लगा के बैठा हुआ उससे 20% आप प्राइस कम रखेंगे, ठीक है? ये आपकी होगी लॉन्च प्राइस। सबसे पहले आप इसका प्राइस कंपैरिजन करेंगे। सेकंड पे है कंटेंट रेडी, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। वेल ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग होनी चाहिए आपकी, और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या चीजें आती हैं? नंबर वन, आपका टाइटल, उसके अंदर आपके सुपर रेलिवेंट मतलब मेन कीवर्ड, और उसके बाद सेकंड एंड थर्ड वन जो बड़े कीवर्ड हैं एज पर सर्च वॉल्यूम, वो आपके टाइटल के अंदर होने चाहिए। हाँ जी, अगर आपका इसमें प्रॉफिट बन रहा है या नहीं बन रहा, स्टार्टिंग के 2 महीने आप प्रॉफिट या कॉस्ट को नहीं देखते, ये वक्त जिस टाइम आप स्टार्ट कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, इस वक्त आपने सिर्फ इसकी रैंकिंग देखनी होती है। इस वक्त आपको यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन नहीं देखते। अच्छा, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में आपका कंटेंट जो है मुकम्मल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। टाइटल के अंदर आपका मेन कीवर्ड और सेकंड और थर्ड, 2 से 3 बड़े कीवर्ड जो है टाइटल के अंदर होने चाहिए, और टाइटल के पहले हाफ में आपका मेन कीवर्ड हो तो ज्यादा आइडियल है। उसके बाद बाकी जो आपके 4 से 5 कीवर्ड हैं वो आपके बुलेट पॉइंट्स के अंदर आप एडजस्ट करें। उसके बाद के बाकी जितने आपके सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स बचेंगे वो आपके जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर और फिर आपके बैक एंड सर्चम के अंदर, ठीक है? ये आप कंटेंट जो रेडी है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जो होती है उसमें ही ये आपकी प्राइस कंपैरिजन भी आता है, मार्केट के हिसाब से प्राइस होनी चाहिए। फिर उसके बाद इमेजेस आपके साथ, आपने स्पेशल जो फोटोग्राफर होगा आपका उससे आपने फोटोशूट करवाना है। लोकल बंदे से करवाएंगे उसकी क्वालिटी कुछ और होगी, प्रोफेशनल से करवाएंगे उसकी क्वालिटी कुछ और होगी। 7 इमेजेस होनी चाहिए इसकी। आपकी जो पहली पिक्चर है जिसको कवर पिक्चर भी कहते हैं, मेन पिक्चर भी कहते हैं, हीरो पिक्चर भी कहते हैं, वो वाइड बैकग्राउंड के साथ और फुल HD होनी चाहिए, जूम की जा सके। और आपकी जो मेन पिक्चर होती है वो आपकी कम से कम 80% आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करती हो, यानी आपने पिक्चर जो बंदा देखेगा उसको 80% पता चल जाए प्रोडक्ट है क्या, क्लिक करने के बाद उसको ये पता ना चले कि ये प्रोडक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल साइजेस होते हैं जैसे लार्ज, स्मॉल, मीडियम, इस तरह के साइजेस हैं। इमेज से अगर उसको पता ही नहीं चल रहा कि ये लार्ज है, स्मॉल है, मीडियम है, कुछ भी है, वो क्लिक करेगा तो आपके टाइटल को पढ़ने के बाद उसको अंदाजा हो कि ये मीडियम है, तो फिर आपको वो क्लिक पड़ जाएगा, PPC के अंदर क्लिक चार्ज हो जाएगा, रैंकिंग में वो आपको बैड इम्पैक्ट होगा उसका। तो उससे बेहतर है कि आपकी जो कवर पिक्चर है उसको देखने के बाद अंदाजा हो बंदे को कि मैं जो क्लिक कर रहा हूँ ये प्रोडक्ट मुझे पता है कौन सी है। और फोटोशूट के अंदर आपके लाइफस्टाइल इमेजेस और इन्फोग्राफिक पिक्चर्स होनी चाहिए। अब लाइफस्टाइल और इन्फोग्राफिक कौन सी होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक मैं सेलर ओपन कर रहा हूँ, इसकी ये व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपको मेन इमेज नजर आ रही है। सेकेंड नंबर वाली इमेज देखें इसकी, ये इंफोग्राफिक है जिसके साथ इंफॉर्मेशन दी गई है और साथ में आपको पिक्चर नजर आ रही है। थर्ड वाली जो है ये भी इंफोग्राफिक है, और ये वाली इमेज जो नजर आ रही है ये लाइफस्टाइल है जिसमें उसका यूजेज बताया गया, किस तरह इस्तेमाल करते हैं इसको, और आपका फोटोशूट इस तरह का होना चाहिए। और कवर पिक्चर जो है आपकी वो 2 एक्स्ट्रा होनी चाहिए, जो मेन इमेज आपने लगाई होगी उससे 2 एक्स्ट्रा होनी चाहिए। अगर आपकी एक इमेज क्लिक नहीं कर रही PPC में, मींस के उसके ऊपर इंप्रेशंस आते हैं और क्लिक्स नहीं पड़ते, इट मींस के वो आपकी अट्रैक्टिव पिक्चर नहीं है, बायर को पसंद नहीं आ रही, आप फिर क्या करेंगे कि उसकी सेकेंड इमेज यूज करेंगे, सेकेंड नहीं चल रही थर्ड वाली यूज करेंगे, तीसरी इमेज क्लिक कर जाए तो आप उसको चला देंगे, ठीक है? लेकिन ये सारी चीजें, यानी 2 एक्स्ट्रा पिक्चर्स आपने पहले बनवाई होंगी तो आप, आपको बाद में डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप, आपको
अगर दोबारा से बनवानी पड़ जाए तो वो 10 दिन 15 दिन आपका डिले हो जाएगा, और ये बड़ा क्रूशल टाइम होगा स्टार्टिंग में, जो आपके 2 से 3 वीक्स होते हैं लॉन्च के। इसमें अगर आप गैप ले लें, या इसमें आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी या आपके इंप्रेशन या क्लिक्स प्रॉपर ना हो, तो आपकी बाद में रैंकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। और लास्ट इसका जो स्टेप है लिस्टिंग का, रिटेल रेडी लिस्टिंग का, वो है सब कैटेगरी मस्ट बी रेलेवेंट। आपकी जो सब कैटेगरी है, जैसे ये अभी मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड पिलोज ओपन किए हुए वाले, इसकी सब कैटेगरी कौन सी है, यहाँ मैं नीचे जाके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे स्टैंडर्ड पिलोज, ये इसकी सब कैटेगरी है, ठीक है। ये आपकी सुपर रेलिवेंट होनी चाहिए, यानी आप स्टैंडर्ड पिलोज की लिस्टिंग है, आप नेक पिलो, बैक पिलो, वेज पिलो, ऑर्थोपेडिक पिलो, डिफरेंट पिलोज है, वी पिलो, इन पिलोज के अंदर, और बाक पिलो, नी पिलो, इस तरह के पिलोज में किसी भी कैटेगरी के अंदर आप लिस्टिंग करना चाहें तो अमेजोन आपको रोकता नहीं है, लेकिन आपने उस कैटेगरी को चूज करना है जो आपकी सुपर रेलिवेंट होगी, बाकी कंपेटिटर्स जो हैं जिसके अंदर आप लिस्टिंग करके बैठे हो। अगर ये इररेलीवेंट होगी तो इसमें आप जब पीपीसी की ऑटो कैंपेन ऑन करते हैं तो अमेजोन ने हर आपकी जो सब कैटेगरी है उसको सेट ऑफ कीवर्ड्स जो है वो दिए हुए हैं। ऑटो कैंपेन जब चलती है तो वो आपके कंटेंट से कुछ कीवर्ड पिक करता है, बाकी आपकी जो सब कैटेगरी है उसको जो उसने सेट ऑफ कीवर्ड्स दिए हैं उनके ऊपर चलाता रहता है। अगर आपने इररेलीवेंट की अपनी सब कैटेगरी चूज की होगी तो आपकी वो ऑटो कैंपेन एक तो स्पेंडिंग करेगी, आपको रिजल्ट नहीं देगी, और बल्कि रिजल्ट जब नहीं आएंगे, पीपीसी अगर प्रॉपर नहीं चलती, उसका सीटीआर कन्वर्जन प्रॉपर नहीं होता, तो वो आपको डी रैंक करती है, रैंकिंग की बजाय वो डी रैंक हो जाएंगे आप। इसलिए इसकी कैटेगरी जो है सुपर रेलिवेंट आपने चूज करनी है। समझिए, यहाँ पे 1 मिनट दे दें बस। ये आप सुपर रेलिवेंट कीवर्ड जो बाकी कंपेटिटर्स ने यूज किए होंगे उनको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी रिसर्च जो की होगी helium10.com से वो आप इसमें यूज करते हैं। helium10 से आपने जो कीवर्ड रिसर्च की होगी वो आपने अपने हिसाब से की होगी, अगर सारे अच्छे कीवर्ड बाकी लोगों ने यूज किए हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें कंप्लीट होगी, ये होगी रिटेल रेडी लिस्टिंग आपकी फर्स्ट पार्ट।
सेकंड ट्रेडमार्क प्लस ब्रांड रजिस्ट्री। अब ये ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री, कल हमने ब्रांड रजिस्ट्री देखा था कैसे डन करते हैं। ट्रेडमार्क आउटसोर्स करते हैं, ब्रांड रजिस्ट्री आप खुद कर लेते हैं। आउटसोर्स होगा ये आपने अपनी लॉन्च से पहले ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर्ड करवा लेना है। अगर ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा तो ब्रांड रजिस्ट्री आपकी होगी, और ये दोनों चीजें आपकी लॉन्च से पहले पहले होनी चाहिए। अगर आपकी ट्रेडमार्क नहीं होगा तो ब्रांड रजिस्ट्री नहीं होगी, अगर आपकी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं होगी तो हाईजैकर आप रिमूव नहीं करा सकेंगे, वाइन प्रोग्राम आप यूज नहीं कर सकते, वीडियो पीपीसी ऑन नहीं कर सकते, ए प्लस कंटेंट जिसको हम ईबीसी कहते हैं, इनहेंस ब्रांड कंटेंट, आप वो यूज नहीं कर सकते। तो ये चीजें आप यूज नहीं कर सकेंगे अगर ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है, तो ये आपने पहले ही कंप्लीट कर लेना है। तीसरे नंबर पे है वाइन प्रोग्राम। ये कल आपने देखा था कि वाइन प्रोग्राम होता क्या और इसको एक्टिव कैसे करते हैं। ये आपने इससे पहले कि आपकी लॉन्च एक्टिव हो, आपने वाइन प्रोग्राम को चेक कर लेना है कि क्या आप इसको कर सकते हैं एक्टिव या नहीं। यानी आप अगर यहाँ पे इसको चेक करना चाहते हैं कि मुझे पता कैसे चलेगा कि ये एक्टिव है भी या नहीं, यहाँ पे मैं अगर आ जाऊं ए प्लस कंटेंट मैनेजर, यहाँ पे मैं अगर आ जाऊंगा, अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री डन नहीं की हुई तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आएगी, जैसे मेरे पास यहाँ पे आएगी स्टार्ट क्रिएटिंग ए प्लस कंटेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे ए प्लस कंटेंट के लिए क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाती है कि यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपका यहाँ पे ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो यहाँ आपको एक मैसेज देगा इनरोल योर ब्रांड, इसका मतलब है आप अभी तक ए प्लस नहीं अपलोड कर सकते। इसी तरह वाइन प्रोग्राम है, इसी तरह वीडियो पीपीसी है, इनरोल योर ब्रांड की ऑप्शन आ रही होगी। अगर यहाँ आपको ये ऑप्शन नजर आ जाती है, इट मीन्स के आप जब भी लाइव करना चाहें ए प्लस या वाइन तो आप कर सकते हैं, तो ये आपने पहले चेक कर लेना। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीजें आउटसोर्स होती हैं। ये ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री जो है ये तकरीबन 300-350 pounds में यूके में होती है। वाइन प्रोग्राम की फीस अमेजोन चार्ज करेगा आपसे 140 pounds। वीडियो पीपीसी आपने पहले बनवा के रखनी है, वीडियो फॉर पीपीसी जो 30-40 seconds की होगी आपकी, जो एक स्पेशल मतलब आप अपने प्रोफेशनल वीडियोग्राफर से आप बनवाएंगे, ये 40 seconds की होगी और ये तकरीबन $400 आपसे चार्ज करेंगे, 350-400 तक चार्ज करते हैं। फोटोशूट आप लेंगे $200-250, इस पे भी लगेंगे। ए प्लस कंटेंट भी $250 में तकरीबन होता है, ये मोर और लेस 250 है। इसमें जो बंदे की क्वालिटी और काम के हिसाब से कुछ लोग ज्यादा चार्ज करते हैं, कुछ लोग कम चार्ज करते हैं। अब ये आप दो चीजें आपने कर ली, ये करने के सारे काम है ये आपने कंप्लीट कर लिए। अब आपकी लॉन्च एक्टिव होगी, आपने देखा कि आपका सफिशियंट स्टॉक पहुंच गया, अब आप लॉन्च कर दें उसको, यानी एक्टिव कर दें, अपनी कैंपेन स्टार्ट करेंगे। तो अब हमने रैंकिंग करनी है लॉन्च करने के बाद। तो आप सबसे पहले हम देखेंगे कि रैंकिंग अमेज़न किस बेस पे करता है, अमेज़न का एल्गोरिथम जो है किन चीजों को पिक करता है फॉर रैंकिंग। आपकी रैंकिंग घूमती है तीन से चार, चार चीजों के, ये चार चीजें। नंबर वन रेलिवेंसी, रेलिवेंसी का मतलब है जो कीवर्ड टाइप किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल पिलोस टू पैक एक कीवर्ड है वो टाइप किया जा रहा है, तो जब पिलोस टू पैक टाइप करके जो बंदा आ रहा है उसको सामने नजर आने वाली प्रोडक्ट जो है वो पिलोस टू पैक ही होनी चाहिए। अगर पिलोस टू पैक की बजाय वहाँ पिलोस फोर पैक है, पिलो केसेस टू पैक है, कुशन इनर्स टू पैक या कुशन कवर्स टू पैक, ये प्रोडक्ट्स नजर आ रही है, इट मीन्स के ये रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंसी नहीं है, इस कीवर्ड की रेलिवेंसी आपकी प्रोडक्ट के साथ नहीं है। अगर कोई कीवर्ड रेलिवेंट ही नहीं है तो अमेज़न उस पर रैंकिंग नहीं करने देगा, अगर हो भी जाए तो आप डी रैंक हो जाएंगे। सबसे पहला स्टेप है रेलिवेंसी, आपके कीवर्ड का उस आपकी प्रोडक्ट के साथ रेलिवेंट होना। उसके बाद है सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। 1% स्टैंडर्ड है अमेज़न का, 1% से नीचे खराब है, ऊपर बहुत अच्छा है। ड्यूरिंग लॉन्च फेज जब आपकी प्रोडक्ट है, स्पेशली वेरिएशन जो प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें 4-5-6 वेरिएशन होंगी या मोर देन 50-10-20 कितने भी वेरिएशन हो,
उसमें आपकी जो CTR है वो 0.7 0.8 तक भी ठीक है, कन्वर्जन सॉरी CTR तो आपकी स्टैंडर्ड 1% ही रहेगी, और 0.7 आपकी जो लॉन्च के दरमियान आपकी CTR है वो चल जाती है नई प्रोडक्ट अगर है। सेकंड आप जो पॉइंट है जिसकी बेस पे अमेज़न एल्गोरिदम ने आप रैंक करना है वो है CTR, उसके बाद है CTR के बाद कन्वर्जन, तीसरे नंबर पे है कन्वर्जन। प्रोडक्ट रेलिवेंसी भी है, CTR भी उसका 1% या अबव है, और CVR यानी कन्वर्जन उसकी वो भी आपकी होनी चाहिए कम से कम 2.1%। अमेज़न का स्टैंडर्ड जो है कन्वर्जन रेट वो है 12%, लेकिन नई लॉन्च होगी आपकी तो उस पे आपकी अगर 10% तक कन्वर्जन है तो वो भी ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं, ये तीनों चीजें अगर पूरी हैं, रेलिवेंसी भी है, CTR भी है, कन्वर्जन भी है, जिसकी CTR 1% या उससे ज्यादा हो, कन्वर्जन उसकी 12% या उससे ज्यादा हो, और रेलिवेंसी भी हो, उसकी कोई वजह नहीं बनती कि वो रैंक ना हो प्रोडक्ट। अब चौथा कौन सा स्टेप है, रेवेन्यू। पहला सेलर उसकी रेलिवेंसी CTR कन्वर्जन तीनों स्टैंडर्ड से बढ़ के है, अच्छी है। सेकंड सेलर उसकी भी अच्छी है तीनों चीजें, लेकिन एक सेलर आपको अमेजोन को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा 3,000, उसने प्राइस लगाई हुई है $15 और रोजाना के यूनिट बेच रहा 200, वो बेचेगा 3,000 के यूनिट्स। सेकंड वाला जो है वो उससे यूनिट्स बेचता है ज्यादा, यानी 210 यूनिट बेच रहा है, लेकिन उसने प्राइस लगाई हुई है $10, वो बेचता है रोजाना के 2,100 के। अब इन दोनों सेलर्स की अगर रेलिवेंसी ठीक है, CTR भी अच्छी, कन्वर्जन भी अच्छी, तो अमेजोन किसको प्रेफर करेगा फॉर रैंकिंग, पहले वाले सेलर को, क्योंकि वो अमेजोन को रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करके दे रहा है, उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 3,000, सेकंड वाले का हो रहा है 2,100, हालांकि सेकंड वाला यूनिट्स ज्यादा बेच रहा है, तो अमेजोन किसको रैंकिंग में प्रमोट करेगा, पहले वाले सेलर को जो अमेजोन को रेवेन्यू जनरेट करके देगा। अच्छा, आप टोटल रैंकिंग जो घूमेंगी रेलिवेंसी के बाद CTR और कन्वर्जन, जिस भी कीवर्ड की कीवर्ड लेवल पे कैंपेन लेवल पे PPC में CTR और कन्वर्जन अच्छा होगा वो कीवर्ड आपका रैंक होगा और प्रोडक्ट रैंक होगी। CTR और कन्वर्जन अच्छा नहीं है तो आपकी प्रोडक्ट रैंक नहीं होगी, उल्टा डी रैंक हो जाएगी। ठीक है जी, अमेजोन का जो सिस्टम है वो इसके गिर्द घूमता रहेगा, एल्गोरिदम CTR कन्वर्जन और रेलिवेंसी पे घूमेगा। आ जाए, आपके माइंड में ये चार चीजें होनी चाहिए कि इन बेसिस पे हमने अपनी प्रोडक्ट रैंक करना है, अमेजोन ने इन चारों चीजों को देखना है। इनमें से अगर आप रेवेन्यू वाला पार्ट छोड़ दें, तीनों ऊपर वाले पूरे हों, तो आपको चौथे की जरूरत भी नहीं पड़ती। रेलिवेंसी CTR कन्वर्जन अच्छा है तो आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है, अब आप ये है फर्स्ट डे ऑफ लॉन्च, आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो गई है, आपको पता है कि CTR कन्वर्जन रेलिवेंसी और रेवेन्यू की बेस पे आपकी रैंकिंग होनी है, आपने अपनी तकरीबन सारी लिस्ट कंप्लीट कर ली हुई है, रिटेल रेडी लिस्टिंग है आपकी, ब्रांड रजिस्ट्री डन, ट्रेडमार्क डन, वाइन प्रोग्राम एक्टिव, PPC के लिए वीडियो आपकी तैयार है, A+ कंटेंट आपका तैयार है, सब कुछ ओके है, आप पहले दिन कैंपेन्स कौन सी ऑन करेंगे, आपकी पहली कैंपेन पहले दिन जो बनेगी वो बनेगी टॉप 10 to 15 एसेंस एसेंट टारगेटिंग। ठीक है, अच्छा ये कौन से एसिन होंगे आपके अपने प्रोडक्ट के सुपर रेलिवेंट, यहाँ सेमी रेलिवेंट, स्पोर्टिंग कीवर्ड्स इनकी या स्पोर्टिंग जो आपके एसिन हैं उनकी बात नहीं हो रही, ये 100% रेलिवेंट प्रोडक्ट होनी चाहिए। टॉप 10 to 15 आपने एसिन उठाने हैं, ये कौन से एसिन उठाने हैं एज पर BSR, जिनका BSR अच्छा होगा। अच्छा, एज पर BSR उठाने के लिए आपने करना क्या है, आपकी प्रोडक्ट एज पर BSR अगर आपने कोई 10 एसिंस उठाने हैं तो कहाँ से उठाएंगे, आपकी जो सब कैटेगरी है प्रोडक्ट की, जैसे ये पिल्लोज है इसकी सब कैटेगरी आ गई कौन सी, स्टैंडर्ड पिल्लोज, ये वाली
स्टैंडर्ड पिल्लोज में एक मिनट दे दे मुझे प्लीज। अच्छा ये क्या है जी, सानिया गुल। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में टाइम लगता है जी 4 महीने। अगर आप आज उसको अप्लाई कर दे तो आपको उसके लिए उसका फॉर्म और सॉरी एप्लीकेशन नंबर यानी ट्रेडमार्क नंबर मिल जाएगा फौरी। लेकिन उसकी अप्रूवल तकरीबन यूके में 4 महीने लेती है, 4 महीने तक आपकी अप्रूवल होगी। अच्छा ये आपके एसेंस आ गए हैं सब कैटेगरी के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6। ये सब कैटेगरी में एज पर BSR ले रहे हैं, जो सबसे ज्यादा अच्छा BSR है जिस बंदे का वो ये है जो 1 पे है, नंबर 1। ठीक है, तो जो पहले नंबर पे बंदा है BSR उसका अच्छा है, आप इसको चूज करें, उससे कम BSR इसका है, इसको चूज करें, तीसरे को चूज करें। लेकिन यहाँ कोई अगर इररेलीवेंट या सेमी रेलिवेंट एसिन आ गया, आपने उसको चूज नहीं करना। जैसे ये 6 आ गए, इनको मैंने चूज कर लिया, 7वां ये है, इसको मैं चूज नहीं करूंगा क्योंकि ये मेमोरी फोम पिलो है, हमारा हॉलो फाइबर है, यहाँ सेमी रेलिवेंट कोई भी चीज पिक नहीं करनी। ये जो आप काम करने जा रहे हैं Day 1 पे, ये अमेजोन के साथ अपनी प्रोडक्ट की रेलिवेंसी अप्रूव करवा रहे हैं। ठीक है, आप अमेजोन को बताते हैं सिस्टम को कि हमारी प्रोडक्ट किन किन जगहों पे शो होनी चाहिए। ठीक है, जहां जहां ये लोग रैंक हैं, सुपर रेलिवेंट होंगे तो अमेज़न को पता चलेगा, जहां ये लोग रैंक हैं या जहां ये शो होते हैं वहां पे ये प्रोडक्ट डिजर्व करती है। हम सिस्टम को ये समझा रहे हैं हमारी प्रोडक्ट क्या है, तो इसको मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं ये 7वें नंबर पे इसको चूज करूंगा बजाय कि इसको चूज करूं क्योंकि ये मेमोरी फॉर्म है। 8वें नंबर वाला ये आ गया, 9th 10th, ठीक है 10 बंदे मैंने पिक कर लिए। इन सब के एसेंस उठाएं और इनकी एक कैंपेन PPC में बनाएं, जिसको हम एसेंट टारगेटिंग कहते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट टारगेटिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसकी बजट कितना होगा, 10 से 15 एसेंट आपने डाले हैं तो आप इसका $15 का बजट रख दें। ठीक है, अब आपने $15 का बजट रखा, बिड कितनी लगाएंगे इसकी, बिड आप लगाएंगे 2 टाइम फ्रॉम सजेस्टेड बिड। ठीक है, आपको अमेज़न एक ब्रैकेट बताता है, वो कहता है जी आपकी ये जो कीवर्ड है या आपका एसिन है, इसकी ब्रैकेट है $1 से लेके $2 तक। ठीक है, वो कहता है एक मिनिमम या मैक्सिमम $2 तक लगाएं आप इसकी बिड, ये एक ब्रैकेट है, हमने PPC में देखा था कि वो सजेस्टेड बिड क्या बताता है, 1 से 2 बताता है, और दरमियान में आपको रिकमेंड कर रहा था तकरीबन मिड वाली एक 1.5 जो सजेस्टेड बिड होती है। आपने उस सजेस्टेड बिड का 2 टाइम जो है यानी $1.5 वो बता रहा है, तो आपने $3 बिड लगानी है, और इसको कहते हैं अग्रेसिव बिड, अग्रेसिव PPC। अग्रेसिव क्यों लगाएंगे कि आपकी नई नई प्रोडक्ट है तो टॉप स्पॉट पे नजर आनी चाहिए। जब आपकी प्रोडक्ट टॉप स्पॉट पे नजर आएगी, विजिबिलिटी ज्यादा होगी, तो आप देख रहे होंगे कि आपकी रैंकिंग में CTR और कन्वर्जन अच्छा होना चाहिए। CTR अच्छा तब होगा जब टॉप स्पॉट पे नजर आएगी, और अगर इमेज अच्छे होंगे तो क्लिक भी पड़ेंगे तो CTR अच्छा हो जाएगा। अगर उसकी कन्वर्जन भी स्टैंडर्ड है, विजिबिलिटी है और कन्वर्जन भी अच्छी है, तो आपका वो कीवर्ड जो है वो रैंक हो जाएगा बड़े अच्छे तरीके से। तो आपने ये टॉप 10 to 15 एसेंट टारगेटिंग करनी है, 2 टाइम फ्रॉम सजेस्टेड बिड, और बजट $15, और उसके बाद सेकंड कैंपेन बनाएंगे आप मेन कीवर्ड की जो हीलियम से आपने निकाला होगा। मैनुअल कैंपेन बनेगी और मैच टाइप उसका एग्जैक्ट होगा, और उसकी बिड भी लगेगी सजेस्टेड से 2 टाइम, और आपने उस मेन कीवर्ड को टाइप करके अमेज़न पे देखना है।
अगर आपको वो 2 टाइम बिड लगाने पे टॉप स्पॉट पे नजर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा 2.5 टाइम लगा दें, 3 टाइम लगानी पड़े लगा दें, बट आपने देखना है कि विजिबिलिटी उसकी टॉप ऑफ द सर्च फर्स्ट पेज होनी चाहिए। और इसका सिंगल कीवर्ड होगा, इसका बजट आप रखेंगे $10 या पाउंड, और 2 टाइम बिड है इसकी भी लगेगी। थर्ड कैंपेन बनेगी अदर टॉप 5 कीवर्ड, जो आपने मेन कीवर्ड के बाद के 4 या 5 कीवर्ड हैं उनकी मैनुअल कैंपेन और एग्जैक्ट मैच। इसका भी उसी तरह से सजेस्टेड से 2 टाइम बिड रखेंगे और $15 इसका बजट लगा देंगे। अब ये रोजाना के तकरीबन 40 पाउंड आपके या डॉलर कंज्यूम होंगे। और ये मकसद क्या है, हम अमेजोन को बताते हैं एक तरफ से, ये हमारे जो सेलर्स हैं इनके साथ की हमारी प्रोडक्ट है, हमारा इनके साथ रिलेशन बिल्ड करो, इनके साथ हमारी रेलिवेंसी अप्रूव करो। जब वो आपके उसके ऊपर मतलब प्रोडक्ट उसके नीचे नजर आएगी, उस पर क्लिक पड़ेंगे, उन एसेंस के नीचे नजर आएगी, क्लिक पड़ेंगे, कन्वर्जन अच्छी होगी, तो अमेजोन कहेगा जहां ये लोग शो हो रहे हैं वहां पे इनको भी शो होना चाहिए। दूसरी तरफ से हम उसको मेन कीवर्ड और बाकी टॉप 5 कीवर्ड जो हैं वो देते हैं, तो उसको बताते हैं ये जो कीवर्ड है ये भी हमारे रेलिवेंट है, हमारी प्रोडक्ट इन पर भी नजर आनी चाहिए। तो कैंपेन के ऑन करने से हमारी प्रोडक्ट की रेलिवेंसी अप्रूव होती है, अमेजोन एक रिलेशन बिल्ड कर देता है कुछ कीवर्ड्स के साथ, कुछ एसेंस के साथ, और उसे पता चल जाता है सिस्टम को कि ये प्रोडक्ट है क्या। ठीक है जी। उसके बाद पहले दिन ही आपने वाइन प्रोग्राम ऑन कर देना है, अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी सुपर्ब है, ठीक है, A+ है। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर आप समझें कि आपको वाइन प्रोग्राम उल्टा नुकसान देगा, फिर आपने कभी भी इसको ऑन नहीं करना, क्योंकि ये ऑनेस्ट रिव्यूज होंगे, फेयर लोग देते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार भी देते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी है तो आपका 5 स्टार आने के चांसेस हैं, और अगर खराब है तो आपको 1 स्टार भी आने के चांसेस हैं। ये होगी आपकी पहले दिन की कैंपेन। उसके बाद इन कैंपेन को 5 से 7 दिन तक चलने दें, इसकी CTR और कन्वर्जन को मॉनिटर करें, CTR 1% से ऊपर होनी चाहिए, अगर खराब है उसकी बिड और बढ़ा दें, फिर भी खराब है, टॉप स्पॉट पे नजर भी आ रही है और CTR खराब है, फिर अपनी पिक्चर चेंज करें। ठीक है। कन्वर्जन अगर खराब है तो कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें और उसकी प्राइस के ऊपर वर्क करें, प्राइस मार्केट के हिसाब से लगाएं, और CTR 1% से ऊपर, कन्वर्जन 12 या उससे ऊपर ले जाएं। ये दोनों चीजें कंप्लीट होंगी तो आपके टारगेटेड कीवर्ड के साथ और एसेंस के साथ अमेज़न आपका रिलेशन बिल्ड कर देगा और प्रॉपर आपकी रैंकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट इंडेक्स होने लग जाएगी, कुछ पेजेस पे नजर आने लग जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बट स्टार्टिंग में आती जाएगी, 6ठे पेज से 5वें पे, 5वें से 3रे पे, 3रे से 1ले पे, इस तरह ये इंडेक्स होके रैंक होती जाएगी। अब ये जो कैंपेन है, $40 लगाया, 5 या 7 दिन चले, इससे $200-$250 लगा के आप अमेजोन के साथ अपनी प्रोडक्ट की रेलिवेंसी अप्रूव करा लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, इन कैंपेन्स को चलने देंगे 5वें दिन जाके, अगर तो ये कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही है तो चलने दें, अगर नहीं परफॉर्म कर रही तो इसको 5वें 6ठे दिन बंद कर दें। हाँ जी, ये रिपोर्ट डाउनलोड करने की जो बात हो रही है वो अभी इधर हो ही नहीं रही, ये एग्जैक्ट मैच है। ठीक है, ये एग्जैक्ट मैच है, एग्जैक्ट मैच को मॉनिटर आप करते हैं डायरेक्टली जाके रिपोर्ट डाउनलोड किए बगैर। ठीक है, तो रिपोर्ट आप 14 दिन, डाउनलोड तो फौरी हो सकती है, दूसरे दिन तीसरे दिन भी हो सकती है, लेकिन आपके पास एक सफिशियंट डाटा ही नहीं होगा तो आप डाउनलोड रिपोर्ट करके करेंगे क्या। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 5वें दिन आप क्या करेंगे, बाकी कैंपेन्स ऑन करेंगे। आपकी प्रोडक्ट की अगर कीवर्ड्स हैं 10 से 15 तक, कम कीवर्ड्स हैं, फिर तो आपकी प्रोडक्ट में आपके पास चांस ही नहीं है। आपके पास कोई चांस नहीं है, कि आपके पास ऑप्शन ही सिर्फ 10 से 12 कीवर्ड की है, टॉप 4 5 आप वैसे टारगेट कर चुके होते हैं, पीछे आपके पास 8-10 कीवर्ड बचते हैं, उनको ही टारगेट किया जाएगा।
लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट है उसके कीवर्ड है मोर देन 15, ठीक है, या 30 से ऊपर है, तो आप क्या करेंगे, टॉप के 10 कीवर्ड्स, टॉप 10 कीवर्ड्स जो हैं उनको छोड़ दें, उससे नीचे वाले कीवर्ड्स पकड़ें, 10, 8 से 10, मैक्सिमम 8 कीवर्ड कर लें, 8 कीवर्ड आप एक कैंपेन में डालें, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। एक कैंपेन में आप 20 20 30 30 कीवर्ड ना डालें। अमेजोन को कोई इश्यू नहीं है, वो आप 50 भी डाल देंगे तो आपको कोई मसला नहीं, अलाउ करेगा, वो 100 भी डाल दे, लेकिन वो आपके लिए नुकसानदेह है। आपने मैक्सिमम 8 कीवर्ड डालने हैं एक कैंपेन में। अच्छा, आप पहले उस शुरू के कीवर्ड को छोड़ देंगे क्योंकि उनके ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जो भी नया सेलर आता है वो टॉप 10 कीवर्ड्स को टारगेट करता है, वहां बिडिंग हाई जा रही होती है, अग्रेसिव जा रही होती है, कंपटीशन ज्यादा है, वहां रैंकिंग के चांसेस थोड़े स्लो होते हैं, कम होते हैं। लेकिन उससे नीचे वाले कीवर्ड के ऊपर आप टारगेट करेंगे तो एक तो आपकी प्रोडक्ट की बेस बनेगी, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे, दूसरा ये कि वो आपको सस्ते भी पड़ेंगे, इजी टू मैनेज या टारगेट है, ठीक है। अब आपने वो 8 कीवर्ड पकड़े, उनकी पहली कैंपेन बनाएंगे एग्जैक्ट मैच, ठीक है, उसकी बिड जो लगाएंगे वो भी 2 टाइम लगाएंगे फ्रॉम सजेस्टेड बिड। आपने एग्जैक्ट मैच में मैनुअल में कीवर्ड डाले 8, उनको मैनुअल में एग्जैक्ट में डाला और उनकी बिड सजेस्टेड से 2 टाइम लगा दी, और उसका बजट जो आया वो उसमें अगर 8 कीवर्ड है तो उसको भी स्टार्टिंग में आप $10 से $15 का बजट दे दो, ठीक हो गया। अब इन्हीं कीवर्ड की जो आपने एग्जैक्ट में डाले हैं इनकी फ्रेज मैच चला दें और इन्हीं कीवर्ड की ब्रॉड मैच कैंपेन बनाएं, ठीक है। अब होगा क्या कि आप एग्जैक्ट मैच में जो कीवर्ड डाल चुके हैं उनको आप फ्रेज या ब्रॉड के अंदर, फ्रेज या ब्रॉड के अंदर नेगेटिव टारगेट करेंगे, नेगेटिव एग्जैक्ट। सेम कीवर्ड आपने डाला हुआ है, टारगेट किया हुआ है फ्रेज में, और उसी कीवर्ड को आपने नेगेटिव टारगेट उसी कैंपेन में किया हुआ है, नेगेटिव एग्जैक्ट। ये बात आपने समझनी है। एक कीवर्ड है पिल्लोस 2 पैक, उसको मैंने एक कैंपेन डाल दी एग्जैक्ट मैच की, बना दी ये पहली कैंपेन, ठीक है, बन गई। उसके बाद मैंने पिल्लोस 2 पैक को फ्रेज मैच में भी टारगेट कर दिया। अब जब मैंने फ्रेज में पिलोस 2 पैक टारगेट किया तो उसी फ्रेज में मैंने नेगेटिव टारगेटिंग में जाके पिलोस 2 पैक को नेगेटिव एग्जैक्ट भी कर दिया, ठीक है। इसी तरह ब्रॉड मैच में पिलोस 2 पैक को डाला और उसी ब्रॉड मैच में पिलोस 2 पैक को नेगेटिव एग्जैक्ट कर दिया। अब इसकी क्या वजह है, आपको समझ आ रही है किसी को कि ये क्यों डाला गया? क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में कि वही कीवर्ड एग्जैक्ट में डाला, फिर फ्रेज में और ब्रॉड में, और जब फ्रेज में मैं उसे टारगेट भी कर रहा हूँ और साथ ही नेगेटिव एग्जैक्ट में भी डाल रहा हूँ, यानी इसके ऊपर प्रोडक्ट हमारी नजर भी नहीं आनी चाहिए, इससे क्या होगा और क्यों डालेंगे? आप एक कीवर्ड है पिलोस 2 पैक, उसको एग्जैक्ट में चला रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट पिलोस 2 पैक पे टॉप पे नजर आ रही है। आप अगर उसी पिलोस 2 पैक को फ्रेज में डाल देते हैं तो पिलोस 2 पैक फ्रेज में, मतलब ये है कि जो बंदा पिलोस 2 पैक टारगेट करेगा आएगा उसको भी नजर आएगी प्रोडक्ट, पिलोस 2 पैक होटल क्वालिटी जो टाइप करेगा उसको भी नजर आएगी, बेड पिलोस 2 पैक वाले को भी नजर आएगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि नेगेटिव एग्जैक्ट में पिलोस 2 पैक डाल दो ताकि इस कैंपेन के थ्रू जब कोई बंदा पिलोस 2 पैक टाइप करके आए उसे प्रोडक्ट नजर ना आए फ्रेज मैच के थ्रू, क्योंकि पिलोस 2 पैक एग्जैक्ट में अलग से वैसे ही टारगेट हो चुका है। अगर आप यहां से भी पिलोस 2 पैक को टारगेट करेंगे एग्जैक्ट को तो वहां पे भी है और यहाँ पे भी आपस में कंपीट करेंगे, ठीक है जी। उस अब जब पिलोस 2 पैक नेगेटिव एग्जैक्ट में हमने डाल दिया फ्रेज मैच में तो पिलोस 2 पैक टाइप करके जो बंदे आएंगे उनको इस कैंपेन के थ्रू प्रोडक्ट नजर नहीं आएगी, लेकिन उसके आगे या पीछे कीवर्ड लगा के जितनी दुनिया सर्च कर रही है वो हमें नजर आएगी।
पिलोज 2 पैक, होटल क्वालिटी, बेड पिलोज 2 पैक, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है ना वो आपको नजर आएंगी। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह डॉट मैच के अंदर अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ। कीवर्ड है पिलोज 2 पैक, एग्जैक्ट में फ्रेज में ये टारगेट हुआ हुआ है। ब्रॉड में ये टारगेट हुआ है। अच्छा, अब ये देखें एग्जैक्ट वाला, जो बंदे पिलोज 2 पैक टारगेट कर रहे हैं, पिलोज 2 पैक उनको नजर आ रही है। ठीक है, इसकी 0.50 बिड लगी हुई है। अब यहाँ पिलोज 2 पैक टारगेट करता है बंदा, टाइप करके आता है पिलोज 2 पैक, यहाँ इसको भी प्रोडक्ट नजर आ रही है। ठीक है, यहां से भी नजर आ रही है, यहां से भी नजर आ रही है, और ये दोनों की बिड लगी हुई है। इस पे हमने लगा दी है 0.45, तो हमें यहां से 0.45 की बिड के हिसाब से इधर से भी प्रोडक्ट पिलोज 2 पैक वाले को नजर आएगी, इधर से भी नजर आएगी। तो ये 0.5 वाली बिड और 0.45 वाली बिड टॉप स्पॉट पे आने के लिए दोनों आपस में कम्पीट कर रही है। ठीक है, ब्रॉड मैच में अगर हमने टारगेट किया तो एक बंदा आके ब्रॉड मैच में लिखता पिलोज 2 पैक, इसको भी नजर आ रही है, इसमें भी हमने 0.40 लगाई हुई है फॉर एग्जाम्पल। तीनों पे हमने बिड लगाई हुई है, तीनों में पिलोज 2 पैक चल रहा है, तीनों की तरफ से नजर आ रहा है। हमने इसकी एग्रेसिव बिड लगाई है, इसके थ्रू नजर आएगी। इसकी फॉर एग्जांपल हमने 0.45 लगाई, इसके थ्रू भी नजर आएगी, इसके थ्रू भी नजर आएगी। तो हमारी आपस में ही प्रोडक्ट कम्पीट करेगी। अब मैं क्या कहता हूँ कि ये पिलोज 2 पैक को मैं डाल देता हूँ यहां से नेगेटिव टारगेटिंग। ठीक है, अब क्या होगा, पिलोज 2 पैक सिर्फ इस कैंपेन के थ्रू नजर आ रहा है येलो वाली में, यहां से भी मैं नेगेटिव में डाल देता हूँ, इधर से भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ फ्रेज में टारगेट हुआ हुआ है, यहाँ पे भी टारगेट हुआ हुआ है, जिनको मैं ग्रीन कर रहा हूँ ये टारगेट हुआ हुआ है। ठीक है ना, ये ऐसे मैं आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया, ताकि थोड़ा सा कोशिश करूंगा समझ आ जाए आपको। अच्छा, ये टारगेट हुआ हुआ है। अब यहाँ पे पिलोज 2 पैक टाइप करने वाले बंदों को नजर आ रही है, यहाँ जब मैं नेगेटिव एग्जैक्ट में इसको डाल देता हूँ, ये रेड कर दिया मैंने नेगेटिव एग्जैक्ट, अब यहाँ पे जो बंदा पिलोज 2 पैक लिखेगा उसको प्रोडक्ट नजर ही नहीं आएगी इस कैंपेन के थ्रू। ठीक है, लेकिन पिलोज 2 पैक टाइप करने वाले को इसके थ्रू नजर आएगी ये येलो वाली। ठीक है, ब्रॉड मैच के थ्रू पिलोज 2 पैक हमारी नजर नहीं आएगी, इसके थ्रू नजर आएगी। फिर फ्रेज को चलाने का क्या मकसद है, फ्रेज को चलाने का मकसद है जब बेड पिलोज 2 पैक, ये बंदा कोई लिखता है तो उसको नजर आए, या लिखता है कोई पिलोज 2 पैक होटल क्वालिटी तो उसको नजर आए। यानी पिलोज 2 पैक आगे या पीछे लगा के जो लोग सर्चेस कर रहे हैं वो सारे के सारे सर्च टर्म जो हैं उन पे हमारी प्रोडक्ट नजर आनी चाहिए। ठीक है, और इसी तरह ब्रॉड मैच में
ये नेगेटिव टारगेटिंग हो गई है यहाँ से, तो हमें इसके फ्रेज के जो सिस्टम है वो मिल जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट पिलोस टू पैक नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसको हमने पहले टारगेट इस कैंपेन में कर दिया हुआ है और यहां से भी इसमें कर दिया, तो इसलिए अब यहाँ ब्रॉड मैच और फ्रेज मैच में डिफरेंट सिस्टम नजर आएंगे, लेकिन सिर्फ पिलोस टू पैक जो है उसका सिस्टम नजर नहीं आएगा एग्जैक्ट वाला, ठीक है। बिड मींस, बिड का मतलब है क्या, आपका एक बजट होता है रोजाना के $10 आप लगाते हैं, $10 बजट लगाया तो आपने उस $10 को कंज्यूम कैसे करना है, हर क्लिक आपको कितने का पढ़ना चाहिए, पीपीसी है ना, पे पर क्लिक, तो वो जो क्लिक पड़ता है पर क्लिक जो आप लगाते हैं ऑफर के, मुझे एक क्लिक $1 का पढ़ना चाहिए, उसको बिड कहते हैं। चलिए ठीक है, आपको क्लियर होगी। अच्छा, अब आपकी ये फ्रेज मैच और ब्रॉड मैच ये चल रही है, अब आपने क्या करना है कि आपने इन्हीं कीवर्ड्स को और बाकी सारे कीवर्ड्स को भी इनकी इंडेक्सिंग चेक करते रहना, और यहाँ पे आपने जो चलाई इसमें एक्रॉस आपका 50 पे हो, 70 पे हो, 90 पे हो, 90% पे, आपको उससे बॉदर करने की जरूरत नहीं है इस वक्त। आपका टारगेट एक्रॉस को कंट्रोल करना नहीं है इस वक्त, आपका टारगेट है इंडेक्सिंग या रैंकिंग, प्रोडक्ट को शो करना और फिर उसको रैंक करना कहीं, तो CTR और कन्वर्जन, बस ये दो चीजें। रेलिवेंसी तो है ही है क्योंकि आपने रेलिवेंट कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है, CTR और कन्वर्जन को अच्छा करना है बस, और ACOS जिधर मर्जी चली जाए, अगर आपका CTR कन्वर्जन अच्छा है तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो रैंक होती जाएगी। अब अगर आपकी प्रोडक्ट जो पहले दिन आपने चलाई थी अगर अच्छी चल रही है तो उसको चलने दें, अगर अच्छी नहीं चल रही तो आप उसको बंद कर दें, ठीक है, और 10वें दिन जाके आप अपनी ऑटो कैंपेन ऑन कर दें, ऑटो पीपीसी, ठीक है, ऑटो पीपीसी की आपने बनानी है दो कैंपेन्स, एक बनेगी क्लोज और लूज मैच, ये मैंने शायद आपको नहीं बताया था, आप मुझे लिख के बता दें यहाँ चैट में कि आपको इसकी ग्रुप्स का पता कि क्लोज और लूज और सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट से चार ग्रुप होते हैं ऑटोमेटिक टारगेटिंग में। अच्छा नहीं पता, ठीक है। एडवर्टाइजिंग के अंदर कैंपेन मैनेजर के अंदर आ गए, क्रिएट कैंपेन, और यहां से मैंने कर दिया कंटिन्यू स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में, मैं आपको ऑटो कैंपेन में ग्रुप कहाँ होते हैं ये बता रहा हूँ। ये मैंने कैंपेन बनाने के लिए, ये ऑटोमेटिक टारगेटिंग है, इसके नीचे आ रहा है ये सेट डिफॉल्ट बिड, जो बिड आ रही है ये सेट यहाँ से, इसके नीचे आ रहा है सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये ग्रुप है उसके चार, क्लोज मैच लूज मैच आपके क्लोज क्लोज होते हैं कंटेंट से बिल्कुल क्लोज क्लोज, ठीक है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स जो है ये आपके थोड़े ब्रॉड होते हैं, इसमें आपको डिफरेंट एसेंस के थ्रू प्रोडक्ट नजर आ रही होती है और एसेंस ज्यादा से ज्यादा आपको मिलते हैं, ठीक है ना। आपने दो कैंपेन बनानी है पीपीसी की 10वें दिन ऑटो कैंपेन, एक में पहले वाले में ये दो ग्रुप बंद रहेंगे और ये दो ग्रुप चल रहे होंगे, ठीक है, सेकेंड वाली कैंपेन में ये दो चल रहे होंगे और ये नीचे वाले दो बंद होंगे, ठीक है, कि आपकी दो आपकी ऑटो कैंपेन बन जाएंगी। अच्छा, अब ये ऑटो कैंपेन कुछ लोग पहले दिन चला लेते हैं, अब हमने ये जो काम किया था फर्स्ट डे ऑफ लॉन्च, इसमें जो हमने काम किया था इसमें अपनी प्रोडक्ट की रेलिवेंसी हमने प्रूव करवाई, अमेज़न को बताया किन एसेंस पे हम अपनी प्रोडक्ट शो करना चाहते हैं, किन कीवर्ड्स पे शो करना चाहते हैं, कौन सी प्रोडक्ट है हमारी और किस तरह की है, किन किन के साथ शो होनी चाहिए, जब रेलिवेंसी अप्रूव होगी, रिलेशन बिल्ड हो गया, तो अब जब ऑटो कैंपेन आप 10वें दिन ऑन करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे और मिलने चाहिए, क्योंकि आपने सिस्टम को ये पहले ही बता दिया हुआ कि हमारी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ शो करो,
रेलिवेंट कैटेगरी आपने चूज की हुई है, कंटेंट के अंदर अच्छे मेन सुपर रेलिवेंट रेलिवेंट कीवर्ड्स डाले हुए हैं और आपने रेलिवेंसी अप्रूव भी कराई हुई है, तो अब आपकी जो ऑटो पीपीसी परफॉर्म करेगी वो होपफुली अच्छा परफॉर्म करेगी, ठीक है। बजाय इसके कि आप पहले दिन पीपीसी ऑन करें ऑटो, 14 दिन बाद रिपोर्ट डाउनलोड करके ऑप्टिमाइजेशन करें, नेगेटिव टारगेटिंग करें, फिर 14 दिन बाद करें, इस तरह 1-2 महीने टारगेटिंग करते रहेंगे तो एल्गोरिदम को समझ आएगी नेगेटिव टारगेटिंग को देखते हुए कि ये कहाँ शो होनी चाहिए कहाँ नहीं शो होनी चाहिए। वो काम हमें $200 स्टार्टिंग में लगा के ये वाला फर्स्ट डे ऑफ लॉन्च ये प्रूव करा लेते हैं। अब हमें अमेज़न को पता है कि इसकी ऑटो कंपनी कहाँ कहाँ शो करनी चाहिए, आपको इसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। और उसी दिन आपने 10वें दिन पीपीसी वीडियो भी चला देनी, ठीक है, वो आप एग्जैक्ट मैच में चला दे बड़े कीवर्ड्स के ऊपर, यानी मेन पे और सेकंड थर्ड, ठीक है। अब ये आपकी पहले दिन 5वें दिन और 10वें दिन जो कैंपेन्स ऑन हुई है, अब आपकी प्रोडक्ट चल रही है, लाइव हो चुकी है, आपने मॉनिटर किन चीजों को करना है, CTR और कन्वर्जन हर कीवर्ड का, हर एसिन का। CTR और कन्वर्जन ही आपका सारा कुछ है पीपीसी लॉन्च के थ्रू, ठीक है। तो उसके बाद आपने दूसरी चीज जो आपने कीवर्ड टारगेट किए हैं वो, और उसके बाद आपके टोटल कीवर्ड जितने भी हैं उस प्रोडक्ट के, उनको आपने मॉनिटर करना है कि ये कीवर्ड इंडेक्स हो रहे हैं, इंडेक्स का मतलब है कहीं नजर आ रहे हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी पोजीशन बेहतर हो रही है, रैंक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आपने इन पे नजर रखनी है, इन कीवर्ड्स के ऊपर, रैंकिंग स्टेटस के ऊपर कि इस वक्त ये कहाँ शो हो रहा है, ठीक है। ये आप सारे काम मॉनिटर करते जाएंगे। अब हर 14 दिन के बाद आप ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, आपकी ऑटो कैंपेन, इनको डाउनलोड करेंगे रिपोर्ट को, और वही जो हमने ऑप्टिमाइजेशन का तरीकाकार था उस तरीकेकार पे काम करते हुए ऑप्टिमाइज करेंगे अपनी रिपोर्ट्स को और टारगेटिंग करेंगे, जो अच्छे कीवर्ड है उनको एग्जैक्ट मैच में नया टारगेट, जो खराब कीवर्ड है उनकी नेगेटिव टारगेटिंग, और ये आपकी चलती रहेगी आगे, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज होती है पीपीसी के अंदर, क्वालिटी स्कोर ऑफ पीपीसी, क्योंकि ये लॉन्चेस हो रही हैं पीपीसी के थ्रू, तो इसलिए ये वाला लेक्चर भी आपका पीपीसी का ही है, ये भी समझे पीपीसी ही सारी चल रही है। क्वालिटी स्कोर ऑफ पीपीसी जो है वो अमेज़न ने सामने नहीं रखा होता, ना उसका कोई दिखाया जाता है कि इसका क्या क्वालिटी स्कोर है। अब अगर एक बंदा, मैं सेलर हूं, आप भी सेलर हैं, मैंने पिलोस 2 पैक के ऊपर कैंपेन ऑन की और मुझे टॉप स्पॉट पे, यानी पहले 2 स्पॉट जो है उन पे पहुंचने के लिए अमेज़न चार्ज करता है $1.5। आप जब उसको पिलोस 2 पैक पे अपनी प्रोडक्ट शो करना चाहते हैं तो वो आपको चार्ज करता है $0.9 या $1, ठीक है। मुझसे महंगे पैसे ले रहा है, आपसे कम ले रहा है, और रैंकिंग के लिए टॉप स्पॉट जो आपने लेना है वो हम दोनों ने सेम लेना है। उसकी वजह ये है कि आपकी क्वालिटी स्कोर जो पीपीसी का है वो खराब है, सॉरी आपका अच्छा है और मेरा खराब है, जिसकी कम प्राइस में उसको टॉप स्पॉट मिल रहा है, क्वालिटी स्कोर अच्छा है तो मिल रहा है, अगर आपका क्वालिटी स्कोर खराब होगा तो आपको उसी स्पॉट को लेने के लिए पैसे ज्यादा पे करने पड़ेंगे। अच्छा, अब क्वालिटी स्कोर कैसे बेहतर होता है, उसका तरीकाकार क्या है, खराब होने का क्या तरीकाकार है? खराब होने का यह, एक ही कैंपेन के अंदर आपने 3-4-5 एड ग्रुप बनाए, एक कैंपेन के अंदर आपने 20-20 कीवर्ड डाल दिए, 30-30 डाल दिए, कुछ कैंपेन्स के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ परफॉर्म ही नहीं कर रहे उस कैंपेन में, कुछ का CTR कन्वर्जन बहुत अच्छा है, कुछ का CTR कन्वर्जन ही खराब है, ठीक है। ये क्वालिटी स्कोर को खराब करने वाली चीज है। अब आपने क्वालिटी स्कोर को मेंटेन रखना है तो उसके लिए जरूरी है कि एक कैंपेन एक एड ग्रुप, अच्छा, उसके बाद एक कैंपेन के अंदर मैक्सिमम 8 कीवर्ड डालें, ठीक है, 6 से 8, और उनको डालें इस हिसाब से जिनका सर्च वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर का लेवल का, ठीक है। आप क्या करेंगे कि अगर फर्ज करें आपके 3,000 से लेके 8 या 10,000 तक के सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड अलग कर लें,
10 से ऊपर 20 तक के अलग कर लें, 20 से ऊपर 50 30 तक अलग कर लें। ऐसा ना करें कि 30,000 सर्च वॉल्यूम वाला जो कीवर्ड है उसके साथ आपने 5,000 वाला डाला हुआ है या 2,000 वाला, वो 2,000 वाला कीवर्ड जो है वो बेचारा तो दब जाएगा, उसको ना इंप्रेशंस मिलेंगे ना क्लिक्स मिलेंगे, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा कीवर्ड है। आपने बराबरी वॉल्यूम वाले जो कीवर्ड्स होंगे उनको एक कैंपेन में रखना है, ठीक है। उसके बाद एक ही कैंपेन में एक कीवर्ड परफॉर्म कर रहा है बहुत अच्छा, सीटीआर कन्वर्जन अच्छा है, दूसरा खराब परफॉर्म कर रहा है, सीटीआर कन्वर्जन खराब है, आप जो लो परफॉर्मिंग कीवर्ड है उसको अलग कर दें, सेपरेट कर दें, और जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको अलग कर दें। आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा हो जाएगा, यानी उस कैंपेन में से जो खराब परफॉर्म करने वाला है उसको बंद कर दें और जो अच्छा है उसको रहने दें, ताकि आपका क्वालिटी स्कोर जो है वो अच्छा रहे। अच्छा, क्वालिटी स्कोर अच्छा होने के लिए आपको स्पॉन्सर्ड रैंक में पैसे कम पे करने पड़ेंगे अगर अच्छा है क्वालिटी स्कोर। अब एड रैंक जो स्पॉन्सर्ड रैंक होता है वो हमेशा जहां पे खुद होगा मैक्सिमम आपकी ऑर्गेनिक लिस्टिंग को वहां तक लेके आता है, तो आपको अपनी लिस्टिंग को प्रमोट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए रैंकिंग में, आपको अपना पीपीसी का जो रैंक है स्पॉन्सर्ड रैंक उसको बढ़ाना पड़ता है, उसको टॉप पे रखना पड़ता है, ठीक है। जितना आपका स्पॉन्सर्ड रैंक हाई होगा, यानी हाई से मुराद ये है कि पहले नंबरों पे होगा, आपकी जो ऑर्गेनिक लिस्टिंग है वो भी उधर तक ही आएगी। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप स्पॉन्सर्ड रैंक में एड रैंक में सेकंड पेज पे हो, ऑर्गेनिक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पहले टॉप 10 में हो, ठीक है, तो ये नहीं होता। आपका जो स्पॉन्सर्ड रैंक है वो ही ऑर्गेनिक लिस्टिंग को आपकी बूस्ट देता है। अच्छा, जिस कीवर्ड का CTR 0.4% और कन्वर्जन 4% या 5% से लेस है उसको बंद कर दें कैंपेन को, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हैं क्वालिटी स्कोर का हिस्सा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये चीजें आप माइंड में होनी चाहिए कैंपेन्स को देखते वक्त। उसके बाद आपकी सिर्फ आपकी ट्रैकिंग रह जाती है। आप जितने भी कीवर्ड हैं, ऐसा नहीं कि आपने 6 कीवर्ड डाले हुए हैं तो सिर्फ 6 कीवर्ड को ही मॉनिटर करें आप। आप कैंपेन के थ्रू तो मॉनिटर उन 6 को ही करेंगे, लेकिन आपने पूरी मार्केट के जितने भी कीवर्ड्स हैं 30, 40, 50, उन सारे के सारे कीवर्ड्स को आपने डाल देना है, उन सारे कीवर्ड्स को आपने रैंकिंग स्टेटस शीट बनानी है और वन बाय वन उनकी रैंकिंग देखनी है। अगर आपके कीवर्ड इंडेक्स हो रहे हैं और इम्प्रूवमेंट आ रही है, रैंक हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही है, उसको चलने दें, एकॉस जिधर मर्जी चला जाए। ये आपने स्टार्टिंग में एकॉस को नहीं देखना, आपका गोल है रैंक करना, तो हर कीवर्ड को आपने देखना है। ये नहीं कि 6 कीवर्ड है 6 को देखें। अगर आपने पिलोस टू पैक को टारगेट किया हुआ है और पिलोस टू पैक होटल क्वालिटी को टारगेट नहीं किया हुआ, तो अगर पिलोस टू पैक रैंक होगा तो वो होटल क्वालिटी को भी थोड़ा पुश देगा, क्योंकि इन दोनों की आपस में रेलिवेंसी बनती है। पिलोस टू पैक का कीवर्ड जो वर्ड है वो पहले वाले में भी है, पिलोस टू पैक दूसरे वाले में भी है, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा बेहतर करेगा। अब आप इसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे, रैंकिंग की मॉनिटरिंग करेंगे स्टेटस, उसके बाद रिव्यू के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। रिव्यू पे काम ये करना होता है कि आपकी रिव्यू वेलोसिटी दूसरे लोगों के साथ चलनी चाहिए, नहीं कि दूसरों के रिव्यूज बढ़ते जा रहे हैं और आपके रिव्यूज ही नहीं है। पहले दिन ही आप किसी जानने वाले को दूसरे दिन एक प्रोडक्ट परचेज करवा दें और जब आपके 20 से 25 यूनिट सेल हो जाए तो उसको कहें अब रिव्यू दे दो उसके ऊपर, ठीक है। इस तरह हर 20 यूनिट के बाद एक ऑर्डर ले लें। अगर आपने थर्ड पार्टी ऐप यानी वाइन प्रोग्राम या थर्ड पार्टी ऐप कैप्टन एएमजी ऐड नहीं की हुई, अगर आपने वो साथ में चलाई हुई है, तो फिर आपको जरूरत नहीं है रिव्यू खुद से लेने की। उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट की जो एड रैंक चेक करते रहेंगे, जितने भी कीवर्ड टारगेट किए उन सब कीवर्ड को टाइप कर करके देखते रहेंगे कि इस वक्त स्पॉन्सर्ड में मेरी प्रोडक्ट कहाँ नजर आ रही है। टॉप पे नजर आ रही है तो ठीक है, नीचे कहीं नजर आ रही है तो बिड बढ़ा दें, ठीक है। ये टोटल आपकी ट्रैकिंग है। ये सारे का सारा आपने अपने माइंड में रखना है कि रैंकिंग से पहले के करने के क्या काम है। ये हमारा क्लोज हो गया हुआ आज का सेशन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉन्च करने से पहले के करने के काम कौन से, आउटसोर्स करने हैं जो भी करना है। जब आपके पहले वाले काम कंप्लीट हुए,
तो फिर आपने लिस्टिंग के फोटोशूट और ये सारी चीजें कंप्लीट की, अब आप माइंड में है कि आप रैंकिंग किन किन चीजों की बुनियाद पे होती है। जब आपको वो पता है तो फिर आप पहले दिन कैंपेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, दो तीन कैंपेन्स बनाएंगे, उसके बाद पांचवें दिन बनाएंगे, फिर दसवें दिन बनाएंगे, ये सारी कैंपेन बन देंगी, फिर हर 14 दिन के बाद इसकी रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे और ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है जी, ये आपका लॉन्च और रैंक है, टोटल रैंकिंग का तरीकाकार ये है। हाँ जी हफ्सा, काम तो है, काम करते हैं तो डॉलर मिलते हैं, काम के बगैर डॉलर नहीं मिलते। ठीक अच्छा, अब आपका कोई क्वेश्चन है तो बता दें। फरासत, आप अनम्यूट क्यों होते हैं, आप यहाँ रिटर्न में क्यों नहीं देते? कितने दिन बाद रैंकिंग हो जाती या अमेज़न करता है? अगर आपकी सीटीआर और कन्वर्जन बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आपकी रैंकिंग जो है हफ्ते के अंदर भी हो सकती है, आप पहले पेज पे रैंक हो जाएंगे। सीटीआर और कन्वर्जन अच्छा होना चाहिए, अगर सीटीआर कन्वर्जन अच्छा नहीं है तो आप लेट होंगे, वरना 8-10 दिन में भी हो जाते हैं। जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, फरासत बताएं। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं ऐसे ही अनमोट करने का कहता हूँ कि मेरे ख्याल से राइटिंग में शायद कोई ज़्यादा क्लियर ना हो क्वेश्चन, इसलिए मैं कहता हूँ अनम्यूट हो जाए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये है मेरा कि आपने जिस तरह कहा कि ट्रेड मार्किंग में हमें 4 मंथ्स लग जाते हैं ट्रेडमार्क रजिस्टरिंग में, राइट? जी, हाँ, तो मतलब अगर इन केस हमारी प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस में पहुंच भी चुकी है 3 मंथ्स, तो हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च तो नहीं कर सकते जब तक हमें ट्रेडमार्क रिसीव ना हो, रजिस्टर ना हो चुका हो। नहीं, ट्रेडमार्क की जो कल आपने ब्रांड रजिस्ट्री की थी और उसमें आपको मैंने बताया था कि पेंडिंग जो एप्लीकेशन होती है उसकी बेस पे भी आप ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो जब आप पेंडिंग पे ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं तो आपका सारे का सारा काम हो जाता है, तो लॉन्च कर सकते हैं आप। अच्छा, लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, बिफोर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रिंग, जी सही। और सेकंड थिंग के जो लो परफॉर्मिंग कीवर्ड्स हैं उन पे हम कैंपेन रन करके अपना बजट क्यों वेस्ट करें फिर, अगर जो लो परफॉर्मिंग उसको हम रिमूव क्यों ना कर दें, जो ज़्यादा हायर कीवर्ड्स हैं उन्हीं पे हम बैठ के अपनी कैंपेन रन करें। देखिए, लो परफॉर्मिंग कीवर्ड्स जब आप इस तरह नहीं कह सकते कि लो परफॉर्मिंग को बंद कर दें। लो परफॉर्मिंग क्या होंगे, उनके क्या स्टैट्स होंगे, आपने ऑप्टिमाइजेशन के अंदर देखा हुआ है, सारी चीजें देखी है कि लो परफॉर्मिंग कीवर्ड कौन से होंगे, कितने क्लिक के बाद ऑर्डर नहीं आ रहा तो उसको लो परफॉर्मिंग कंसिडर करके बंद करेंगे। ठीक है, आप ठीक है, किसी भी कीवर्ड को उस सूरत में बंद करते हैं जब आपको पता है कि आप स्पेंडिंग कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं दे रहा, वो चाहे सही, आपका सुपर रेलिवेंट कीवर्ड भी हो, लेकिन आपको अगर रिजल्ट नहीं दे रहा तो आपको बंद करना पड़ेगा फॉर द टाइम बींग। हो सकता है वो राइट टाइम ना हो उसका परफॉर्म करने का। उसके ऊपर बाकी टाइप करके जब देखते हैं तो बाकी सेलर्स के रिव्यूज ज्यादा होते हो, आप नए हो सकता है आपके लिए वो बेस्ट परफॉर्मर ना हो। ठीक, थैंक यू। ठीक है, और मैम उस्मान आल्सो हैड शेयर वन पीपीसी पर, व्हाट वी डू फॉर नेक्स्ट न्यू एक्सेल पीपीसी पर। जी ये मुझे समझ नहीं आई, कौन किसने शेयर किया? उस्मान ने। सर अगर वाइन प्रोग्राम एक्टिव ना करें फौरी तौर पे तो क्या हर्ज है, क्योंकि खराब रिव्यूज भी आ सकते हैं, हम रिस्क ना। अनम, अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी 100% आपको पता है कि अच्छी है तो लाजमी ऑन करें, अगर आपको पता है वो अच्छी नहीं है तो फिर तो बिल्कुल ना ऑन करें, कोई हर्ज नहीं है, फिर आपको ये खुद से रिव्यू खरीदने पड़ेंगे। जी मैम उस्मा ने जो आपको शेयर की है उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किए जाए उसके ऊपर।
जी ओके ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन है अन्य? आज की कोई असाइनमेंट नहीं है क्योंकि ये आपके जो शीट है ये आपको शेयर कर दी जाएगी, और आपको इन चीजों को एक दफा माइंड में रखना है, रिवाइज करें, देखें कि रैंकिंग क्या होती है, किन बेस पे होती है, ठीक है? तो बाकी आपकी इसकी कोई भी वो नहीं है। नेक्स्ट सेशन का टॉपिक जो है फाइवर और अपवर्क, अगर आपका हो गया हुआ है तो वो अनाउंस कर दिया जाएगा कि अब आपका कौन सा सेशन है। अगर आपका अपवर्क और फाइवर हो गया हुआ है तो फिर आपका कोई सेशन नहीं रहता, फिर आपका मे बी कोई क्वेश्चन आंसर हो, अभी शेड्यूल देख लेंगे, उसमें अगर कोई रहता है तो वो ऐड कर देंगे उसमें। हाँ कस्टमर केयर वाला अगर रहता है तो वो हो जाएगा। बिल्कुल कस्टमर केयर वैसे बहुत सिंपल छोटा सा है, आप ले लीजिएगा सेशन। आबिदा आपको ये पीपीसी की रिपोर्ट में हर चीज नजर आती है कि कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इंप्रेशन हैं, कितने ऑर्डर्स हैं। जी फरासत, लाइव अकाउंट पे प्रैक्टिस जो है वो आपकी जब ये सेशन कंप्लीट, अगर तो फर्ज करें आपके कंप्लीट हो चुके हैं तो फिर आपको बता दिया जाएगा कोई और सेशन नहीं है, तो हफ्ता 10 दिन आपका गैप होगा, उसमें आपने सारी वीडियोस रिवाइज करनी है। उसके बाद 10 दिन के बाद तकरीबन आपको एक ग्रुप नया बनेगा आपका, तो उसके अंदर आपके जो रनिंग अकाउंट है उनके ऊपर आपने जो जो थ्योरी पढ़ ली हुई है उसको एक एक दफा आप अपने हाथ से खुद करेंगे, पीपीसी और रैंकिंग और बाकी सारी चीजें। मतलब ठीक है जी, ओके जी, अब मैं एंड करता हूँ सेशन को। अल्लाह हाफिज।